हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज मैं और एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जो कि 22 जुलाई से हमारा सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो 22 जुलाई को हमारा जो फूड मंडे हो रहा है, मतलब चार सोमवार आ रहा है, मंडे टू मंडे सावन का चार मंडे आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सावन का महीना पूरा ही मैं कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, उससे बड़ा बढ़िया और कुछ नहीं है। अगर कोई चाहते हैं कि नहीं, आजकल क्योंकि बहुत ही सभी बिजी हो गए, तो मंडे टू मंडे जरूर से ये कीजिएगा। ये रेमेडी, दो रेमेडी आज दूंगी, जो कि है बिजनेस एंड मनी फ्लो के लिए, ठीक है, और एक है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ इशू भी बहुत ही सब जनों का आजकल होता है, तो ये आप लोग करके देखिए, बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बिजनेस एंड मनी फ्लो के लिए रेमेडी बता देती हूँ, और ये आपको घर पे नहीं करना है, आपको मंदिर पे जाके ही करना है। पहले शिवलिंग को आप पानी से अर्पित करेंगे, फिर आप करेंगे कि अनार का रस, प्रोमिगनेट का, उसका रस निकाल के लेके जाएंगे घर से ही। उसके बाद वहाँ पे प्रोमिगनेट के शीट्स मत डालिएगा, उसका रस डालिएगा शिवलिंग में, उसके बाद फिर पानी से धो दीजिएगा। ये है मनी फ्लो के लिए, और ये आप मंडे टू मंडे कीजिएगा। और एक है हेल्थ इशू, बहुत ही हेल्थ इशू होते हैं सबका। हेल्थ इशू के लिए जो मैं दे रही हूँ वो है, सिर्फ पानी में आप काले तिल डालिए, या तो दूध में, कच्चे दूध में काले तिल डाल के अभिषेक कीजिएगा शिवलिंग को। पहले आप पानी डालिए, फिर काले तिल और एक साथी डाल के आप अभिषेक कीजिए। ये हो गया हेल्थ इशू के लिए। और एक अगर हो सके तो शहद, शहद से भी आप कर सकते हैं। पहले पानी डालिए, उसके बाद शहद से शिवलिंग को अभिषेक कीजिए, फिर पानी से धो लीजिएगा, उसके अभिषेक कीजिएगा, सॉरी। ये हो गया हेल्थ इशू के लिए, ठीक है। और प्रोमिगनेट का मैंने जो बताया है वो है मनी फ्लो के लिए। थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।